हेलो एंड वेलकम बैक। फिजिकल रिलेशन में टाइम बढ़ाने के लिए आपने लिखा है कि मेरा सब कुछ ठीक है, बस किसी एक दिन एंजॉयमेंट के लिए मुझे अपना टाइम बढ़ाना है, तो कितने एमजी की टैबलेट मेरे लिए परफेक्ट है। तो ये सवाल यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो में जानकारी दी थी वो आपने ही मुझे कुछ टैबलेट के नाम सुझाए थे कि उनमें से कौन सी टैबलेट आपके लिए बेस्ट है। तो उसमें जो मैनफोर्स या व्याग्रा है उससे बेस्ट ऑप्शन था सियालिस या फिर मेगालिस नाम से जो टैबलेट आती है जिसे टेटराफिल कहते हैं, जो टैबलेट दूसरी टैबलेट की अपेक्षा सेफ है। तो उसको देखने के बाद ही अब आपका यह सवाल है कि अगर हम इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो हम कितने एमजी की टैबलेट हैं। उसमें दो तरीके के लोगों का सवाल है, एक तो वो लोग जो यंग है जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है और एक वो लोग जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। तो इसमें अगर आप यंग है और आप अपने टाइम को इंक्रीज करना चाहते हैं और उसमें सवाल आपका है कि कितने एमजी की गोली आपके लिए परफेक्ट है, एक्सपर्ट्स के अनुसार 2.5 एमजी का ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये आपको वही रिस्पांस देगा जो कि आप हायर डोजेस के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग भी सोची होती है कि हम जो 5 mg या 10 mg या उससे आगे की जो डोजेस होती है अगर हम उसको लेंगे तो वो ज्यादा हमें प्लेजर देंगी और हमारे टाइम को अच्छे से बढ़ाएंगी। तो ऐसा इसमें नहीं है। ये टैबलेट व्याग्रा या फिर मैनफोर्स की तरह नहीं है जिसका 2 घंटे में असर खत्म हो जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसका असर बॉडी में 3 से 4 दिन तक रहता है। तो अगर आप 2.5 mg टैबलेट लेंगे तो वो भी आपको परफेक्ट रिस्पांस देगी और 3 से 4 दिन तक अगर आपकी दोबारा मिलने की प्लानिंग होती है या मिलते हैं आप तो आपको कोई दूसरी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 दिन तक आप दोबारा रिलेशन या जब भी आपका रिलेशन बनता है तो आप बना सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उसके बाद आपको कोई जरूरत लगती है तो नेक्स्ट टाइम आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको इस गोली ने कैसा रिस्पॉन्स दिया। तो इसलिए यंग लोगों के लिए एक्सपर्ट की सलाह है कि आपको 2.5 mg या फिर 5 mg तक ही रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है तो अगर उनका ये सेम सवाल है कि कितने एमजी की गोली उनके लिए परफेक्ट रहेगी तो इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं। ऐसे 40 साल के आसपास के लोग जिनकी उम्र तो 40 साल है लेकिन उन्हें बाकी किसी तरीके की मेंटल टेंशन नहीं है अपनी लाइफ से जुड़े, तो अगर वो 5 mg की टैबलेट पर रहते हैं एक्सपर्ट्स के अनुसार तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये वो भी लोग ना सोचें कि अगर हम हायर डोज की टैबलेट लेंगे तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस देगी, ऐसा जैसा नहीं है। आप 5 mg में भी पूरा प्लेजर ले सकते हैं और ध्यान रखिए कि इसका असर 3 से 4 दिन तक बॉडी में रहता है, आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक कोई दूसरी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो दूसरे लोग और भी हो सकते हैं जिनकी 40 साल की तो एज है लेकिन उसके साथ साथ उनको घरेलू चिंताएं बहुत रहती हैं, जॉब से रिलेटेड टेंशन बहुत रहती है, कोई टास्क है उनका या फिर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत सारी टेंशन है, तो वो लोग 10 mg के बारे में सोच सकते हैं और वो ऑप्शन भी उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन उससे आगे की डोज अभी आप ना डिसाइड करें कि आप 20 mg पर डायरेक्ट जंप करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर उससे आगे जाना है तो पहले डॉक्टर से बात करनी है, अपनी कुछ कंडीशन बतानी है जिससे कि उसके बारे में डिस्कस किया जाए कि उसमें हम क्या एड ऑन कर सकते हैं 10 mg के साथ में ही, कि जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आप 10 mg पर ही रहें और आपको पूरा प्लेजर भी मिले। क्योंकि देखा होगा आपने इसके साथ साथ दूसरे ऑप्शन भी आते हैं जो डिपॉक्सिटिन वगैरह के भी इसमें प्लस होके ऑप्शन दिए जाते हैं, उसका भी मकसद उसमें यही होता है कि आपकी कंडीशन को हमें देखना है, असेस करना है कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी और बहुत सारी टेंशन भी आपके साथ जुड़ी हुई जिसकी वजह से आपका टाइम कम हो जाता है। अगर आपकी एज के साथ साथ अगर टेंशन जुड़ी हुई है तो 10 mg पर आपको रहना है, और टेंशन नहीं है और एज 40 है तो फिर आपको 5 mg के बारे में ही सोचना है और वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट सवाल आपका यह है कि हमें कितनी देर पहले ये टैबलेट लेनी चाहिए जिससे एक बेस्ट रिस्पांस मिले। तो देखिए लेने की बात जहां तक है तो उसे 15 मिनट पहले भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट रिस्पांस बेस्ट टाइमिंग की बात करते हैं तो कम से कम 6 घंटे पहले और या फिर आप 12 घंटे पहले अगर लेंगे इसको मिलने से तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, अमेजिंग वहां पर रिजल्ट इसका होगा, आप जैसा सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बेटर रिजल्ट वहां पर होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे अगर मैं 12 घंटे में इस टैबलेट को लूंगा तो आधा तो असर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। बिकॉज इस टैबलेट की यही स्पेशलिटी है कि इसको लेने के जितनी देर के बाद आप रिलेशन बनाएंगे तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको और उतनी अच्छी टाइमिंग आपको वहां पर मिलेगी। इस टैबलेट को आप व्याग्रा या फिर मैनफोर्स की तरह कंपेयर ना करें कि 2 घंटे में लेना है तो 2 घंटे बाद ही एकदम सडनली मिलना है, लेकिन उनको ध्यान रखिए कि उन टैबलेट्स को अगर 2 घंटे पहले लिया जाता है तो 2 घंटे में उनका असर खत्म भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि क्या हम अल्कोहल के साथ इसको ले सकते हैं, इसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये अपना परफेक्ट वहां पर काम करती है। साथ में अल्कोहल के इसको ना लें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको अल्कोहल लेना ही है तो जहां पर इसमें इतना सारा टाइम का मार्जिन है तो इस टैबलेट को 6 घंटे पहले या 12 घंटे पहले आप ले लीजिए, 1 दिन पहले ले लीजिए, उसके बाद आप अगर जो भी लेना चाहे एट द टाइम ऑफ रिलेशन आप ले सकते हैं, उसके बाद अपने रिलेशन को बिल्डअप कर सकते हैं, तो इसमें एज सच वहां पर कोई भी हिंड्रेंस इसमें आपको महसूस नहीं होगी। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि खाने की कितनी देर के बाद हम इसे लेना चाहिए, तो परफेक्ट टाइमिंग देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे के बाद अगर आप इसे लेते हैं तो परफेक्ट टाइम है।
आज जिस टैबलेट के बारे में बात हुई ये मैनफोर्स ऑफ व्याग्रा से कहीं ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मैनफोर्स ऑफ व्याग्रा के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, इसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी मैंने वीडियो में दे रखी है और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से पूरी जानकारी ले पाए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो जरूर लिखें, बहुत जरूरी है अगर बात करना तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल मी फॉर एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है जिसपे आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नेटअप के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।